चलिए वो आपको सीधा लाइव ले चलते हैं आरकेडीएफ यूनिवर्सिटी में, जहां खास प्रोग्राम किया जा रहा है श्री रामलला में। जिस तरीके से आज प्रतिष्ठा की जा रही है उनकी, अयोध्या में रामलला को देखा जाए प्रतिष्ठा की जाएगी, इसको लेकर आरकेडीएफ यूनिवर्सिटी में भी खास प्रोग्राम किया जा रहा है। चलिए एक तस्वीर दिखा देते हैं, हमारे साथ संजय डोंगर दिवे जुड़े हुए हैं। संजय, किस तरह की तस्वीर आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, किस तरह से तैयारियां की गई है, प्रभु राम वापस घर लौट रहे हैं? बिल्कुल प्रियंका, मैं आपको बता दूं कि मैं आरकेडीएफ ग्रुप में खड़ा हूं। यहां पे आप देख सकते हैं भामा यूनिवर्सिटी हैगी, यहां पर आप देख सकते हैं सबसे पहले जिस प्रकार से हम देख रहे हैं 500 साल का इंतजार जो खत्म हुआ है, राम प्रांत प्रतिष्ठा अयोध्या में हो रही है, उसको लेकर भामा में सर्वप्रथम राम मंदिर का जो यहाँ चित्रण किया है रंगोली से, आप देख सकते हैं कि राम मंदिर का रात्रण और सीधा जो दर्शाया गया है इसमें भी यही दर्शाया गया है कि राम आएंगे, यानी राम अपने अयोध्या पहुंचने की तैयारी में इस पर यहीं से दिखाया गया है। वहीं अगर मैं आज की बात करूं तो आप देख सकते हैं कि जो भामा यूनिवर्सिटी के कैंपस की बात करूं तो यहां पे पूरा इंतजाम या पूरे लोग जो हैं इस स्टाफ के, ये पूरा स्टाफ यहां पे आज जो लाइव है उसको देखने के लिए यहां बैठा हुआ है। और एक खुशी, क्योंकि हम देख रहे हैं पूरा भारत, पूरा विश्व आज राममय होता जा रहा है, उसको लेकर यहाँ पे आज सभी लोग यहाँ पे उपस्थित है। और जो अभी 11:30 बजे से राम प्राण प्रतिष्ठा को लेकर काम होगा उसका लाइव प्रसारण भी यहाँ पे किया जाएगा। आप देख सकते हैं कि बड़ी संख्या में, चाहे हम यूनिवर्सिटी की कह ली जाए, वर्कर की बात कर ली जाए, और आसपास के जो ग्रामीण क्षेत्र के लोग हैं वो भी यहाँ पहुंचे हैं और उन्होंने भी यहाँ पर अपनी उपस्थिति दर्ज कराई है। कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो राम प्राण प्रतिष्ठा को लेकर जिस प्रकार का आयोजन हम देख रहे हैं कि भोपाल ही नहीं या भावा ही नहीं, पूरे हिंदुस्तान में हो रहा है, यहाँ पर उसी को लेकर चाहे कोई कर्मचारी हो चाहे वो बड़ा हो, सभी आज इस आयोजन में शामिल हुए हैं और रामलला की जो प्राण प्रतिष्ठा है उसको यहाँ देखने के लिए उपस्थित हुए हैं। अगर अब कुछ जो यहाँ के सांसद अधिकारी भी हैं उन्हीं से बात कर लेते हैं किस प्रकार का आयोजन है और क्या इसकी इस प्रकार का आयोजन है। भाई साहब आपका नाम बता दें। डॉक्टर श्याम पाटकर, रजिस्ट्रार। अच्छा जी, आज क्या यह आयोजन है? आज भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम का लाइव टेलीकास्ट देखा जा रहा है और इसको भावा विश्वविद्यालय बड़े धूमधाम से मना रहा है। अगर देखा जाए तो राम प्राण प्रतिष्ठा को लेकर जैसे कई सारे और लोग भी हैं यहाँ पे, इनसे भी बात कर लेते हैं। मैडम, 500 साल का इंतजार खत्म हुआ है जी, ऐसा लग रहा है त्रेता युग में पहुँच गए। जय श्री राम। जय श्री राम। कितनी खुशी, और आज का माहौल कैसा लग रहा है? आज का माहौल बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि बस हमारे बीच में राम आने ही वाले हैं। जो वो वनवास से वापस आए थे उस वक्त जो दूसरों के मन में भावनाएं रही होंगी कि सब अपने राजा को देखने निकले थे, ऐसे आज हम अपने जो हमारे महाराज राजा राम जी हैं उनको देखने के लिए यहाँ पर बैठे हुए हैं। प्रियंका, अगर देखा जाए तो राजा राम जी आज अयोध्या पहुँचे हैं, उनको पूरा देखने के लिए आज वो लोग यहाँ पे पहुँचे हैं, और जो अयोध्या में जो इंतजार था उस इंतजार को खत्म होने के बाद यहाँ पे काफी बड़ी संख्या में आज अयोध्या के दर्शन और रामलला की प्राण प्रतिष्ठा देखने के लिए यहाँ उपस्थित हुए हैं। अगर बात की जाए तो किसी भी चीज से या किसी भी सोच के देखा जाए तो हर आदमी की आज यही सोच है कि आज एक दिवाली है, दिवाली हम वह बनाते थे, आज हम दूसरी एक दिवाली बना रहे हैं जिसमें राम प्राण प्रतिष्ठा का आयोजन किया जा रहा है। तो अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं आज सभी के मन में राम को लेकर एक आराध्य और एक पूजा पाठ और एक अपने आप में एक खुशी का माहौल हमें देखने को मिल रहा है। जी प्रियंका बिल्कुल, और हम यहाँ पर देखें तो जिस तरीके से अगर हम बात करें, 4 साल पहले जब कोर्ट की तरफ से ये घोषणा की गई थी कि राम मंदिर बनेगा, तब शायद इतना उत्साह लोगों में नहीं था जो आज उत्साह देखा जा रहा है। दिवाली सा नजारा देखने को मिल रहा है और इंतजार किया जा रहा है श्री राम का। त्रेता युग की याद ये दिला रहा है, जिस तरीके से श्री राम उस समय जब लौटे थे तो उनके आगमन को लेकर तमाम तैयारियां की जा रही थी और वही नजारा आज देखने को मिल रहा है। संजय, बिल्कुल प्रियंका, मैं आपको बता दूं कि जिस प्रकार से हमने पूरे पूरे भोपाल की बात करूं या पूरे हिंदुस्तान की बात करूं तो हिंदुस्तान में हमें यही माहौल देखने को मिल रहा है कि जिस प्रकार से अयोध्या में जब हम राम मंदिर राम को लेकर जब अयोध्या दिवाली बनाते हैं उसके बाद आज की बात की जाए तो आज पूरे हिंदुस्तान में राममय हो गया है, पूरा माहौल राममय हो गया है और लोगों में एक आस्था की बात की जाए तो आज जो 500 साल का इंतजार था वो खत्म हो गया है। लोग आज जो अयोध्या में विराजमान होंगे, राम का प्राण होगी तो उसको लेकर आप लोगों के मन में बहुत एक भाव बना हुआ है और लोग आज उसी की खुशी में आज घर घर दिए जलाए जाएंगे, घर घर लाइट जलाई जा रही है, या कह सकते हैं कि हम हर जगह एक आम आदमी के मन में छोटे से वो
चार साल पहले की घोषणा के बाद भी आज लोगों के मन में चार साल पहले ये घोषणा हो गई थी कि राम मंदिर बनेगा जरूर, लेकिन कहीं ना कहीं जो आज की तारीख है वो एक इतिहास में लिखी जाएगी कि आज राम प्राण प्रतिष्ठा हुई है, तो उसको लेकर अगर कहा जाए तो पूरे हिंदुस्तान में एक खुशी का माहौल देख रहे हैं। और उसके साथ अगर देखें तो कहीं ना कहीं चार साल का इंतजार जरूर लोगों ने किया है, लेकिन आज जिस प्रकार से राम प्राण प्रतिष्ठा होगी तो उनका जो 500 साल का इंतजार है वो खत्म हो जाएगा। जी बिल्कुल सही कहा आपने संजय, और हालांकि हमने भी स्वराज एक्सप्रेस में कई कार सेवकों से बात की, उनका भी कहना था कि पता तो था कि राम मंदिर बनेगा लेकिन कब बनेगा ये उम्मीद उन्हें नहीं थी, और आज वो सपना साकार होने जा रहा है। फिलहाल शुक्रिया आपका तमाम जानकारियों के लिए।
अवस्था है। जोधपुर के संत महात्मा 6 क्विंटल घी बैलगाड़ियों पर लाद कर लाए, अनेक करोड़ों से घी प्राप्त हुआ है। मंदिर में जब जमीन के नीचे मट्टी को मजबूती दे रहे थे, मैं भी वही कर रहा हूं, गिनती आई है कि मंदिर से छतरपुर आई है। राख आई है तो रायबरेली से आई है, मुंशाहार ग्रेनाइट आया है तो तेलंगाना और कर्नाटक से आया है। मंदिर का पत्थर राजस्थान के भरतपुर से मिला है। सफेद रंग का मार्बल ये राजस्थान। तो अयोध्या में राम मंदिर में भगवान राम लला की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर पूरा देश राममय है। सभी जगह उत्साह का माहौल है। ऐसे में मध्य प्रदेश के प्रतिष्ठित ग्रुप RKDF ने भी भगवान राम लला के अयोध्या में विराजमान होने के मौके पर पूजा की। RKDF ग्रुप के चेयरमैन डॉक्टर सुनील कपूर और RKDF यूनिवर्सिटी की चांसलर डॉक्टर साधना कपूर ने रामलला की अर्चना कर देश और प्रदेश की खुशहाली की कामना की। इस मौके पर उन्होंने कहा कि आज पूरा देश अभूतपूर्व उल्लास और भक्ति भाव से भरा है। हर भारतीय का सदियों का सपना साकार हो रहा है। RKDF ग्रुप के चेयरमैन डॉक्टर सुनील कपूर ने कहा कि हम सभी भगवान श्री राम के आदर्शों को अपने जीवन में उतार कर देश और प्रदेश की प्रगति के लिए काम करें। श्री रामचंद्र कृपारु भज मन हरन भव भय दारुणम नव कंज लोचन कंज मुख कंज पद कंदारुणम कंदर्प अगणित अमित छवि नव नील नीरज सुंदरम कर्पूर गौरं करुणावतारं
संसार सारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि मंदार माला पुलकारिकाय कपाल मालांकित शेखराय दिव्यांबराय च दिगंबराय नमः शिवाय च नमः शिवाय। ओम जलम शीतले कर्णम पुष्पे देवादि वंदनम हस्ताभ्याम आत्मा अभिवंदनम मंत्र पुष्पांजलि। भगवान को आरती दे दीजिए और बोल दीजिए ओम जद्देन जद्दमय जंत देवास्तानि धर्माणि कृतमान्या सन्नाते हनाकं महिमानः सचंत जत्र पूर्वे साध्याः संति देवाः। ओम राजाधिराजाय प्रसय्य साहिने नमो वयं वैश्रवणाय कुर्महे समे कामान काम कामाय महियं कामेश्वरो वैश्रवणो दधातु कुबेराय वैश्रवणाय महाराजाय नमः। ओम स्वस्ति साम्राज्यम भोज्यम स्वराज्यम वैराज्यम पारमेश्यम राज्यम महाराज्यमाधिपत्यमयम। आज सारे देश विदेश और परम संसार के लिए बड़ा शुभ दिन है कि आज अयोध्या में श्री रामलला जी की मूर्ति की पद स्थापना हो रही है। हमारे सारे परिवार में इस देश में आज खुशी की लहर है। देशवासियों को आर्कडिया परिवार के तरफ से बहुत बहुत बधाई और हम सब मिल के भगवान श्री राम की आज पूजा अर्चना करें और देश पे भगवान श्री राम का आशीर्वाद हमेशा बना रहे। आज का दिन बहुत ही हर्ष का है और आज भगवान राम जी की प्राण प्रतिष्ठा हो रही है जो कि बहुत ही इंतजार में थे सब लोग, और आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। मगर ये प्राण प्रतिष्ठा भगवान लला की मूर्ति की तो हो रही है, साथ ही साथ ये उनके गुणों की प्राण प्रतिष्ठा है। जो गुण उनके अंदर थे वो इतने ऊर्जावान विद्वान और सबके स्नेह को समझने वाले और जाति बात नहीं करने वाले और इतने समर्थ होके और राज परिवार में पैदा होके भी उन्होंने इतनी सबकी सहायता की और उन गुणों की आज जरूरत है। ये प्राण प्रतिष्ठा उन गुणों की है और हमें उन सब की बहुत जरूरत है।